हे गाइस, अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप एक बिजनेस खोलेंगे और आप उससे बहुत सारा पैसा कमाएंगे और साथ ही आप पर कोई काम का प्रेशर भी नहीं रहेगा, यानी कि आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे और जब आपका मन होगा तब आप दुकान खोलेंगे और जब कभी अगर आपका मन नहीं करेगा तो आप दुकान नहीं खोलेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं तो फिर आप सक्सेस हो चुके, आपकी दुकान खुल चुकी, आप बहुत सारा पैसा भी कमा चुके और आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर चुके। मतलब कि ये सारी चीज़ें आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसी दुकान खोलकर अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने लिए बिजनेस नहीं बल्कि जॉब खोलकर रखा हुआ है, जहां अगर आप काम करते हैं तभी पैसा कमा पाएंगे। अगर आपने काम करना छोड़ दिया, यानी कि अगर आप अपने दुकान पर नहीं रहते तो आप पैसा नहीं कमा सकते। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसमें अगर आप नहीं भी रहें तो भी आपके बिजनेस से आपकी कमाई होती रहे, जो कि मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए बता रहा हूँ जो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक जगह पर दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था पाब्लो और ब्रूनो। दोनों का सपना बहुत बड़ा आदमी बनना था और दोनों बहुत मेहनती भी थे। तो उन्होंने देखा कि गांव के लोगों को पानी की बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि वहां पर एक नदी था जो गांव से बहुत ही दूर था, जिसके लिए गांव वालों को वहां से पानी लाना पड़ता था। जब पाब्लो और ब्रूनो ने सोचा क्यों न हम उनके लिए पानी लाए और उसके पैसे ले ले, तो अब दोनों ने अपना बिजनेस खोल दिया। अब वो दोनों रोज़ बाल्टी भरकर नदी से पानी लाते और गांव में बेच देते और उसके पैसे गांव वालों से ले लेते थे। अब क्या था, उनका बिजनेस निकल पड़ा। दोनों नदी से पानी लाते और गांव वालों को बेचकर खूब सारा पैसा कमाने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद पाब्लो के काम बहुत बोरिंग लगने लगा, क्योंकि इतना दूर से पानी लाने में बहुत मेहनत तो लगता ही था, इसके साथ में उनका बहुत सारा समय भी चला जाता था जिसके लिए वो एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो पाब्लो ने सोचा क्यों न कोई ऐसा पाइपलाइन बिल्ड किया जाए जिससे उनको पानी लाने इतना दूर न जाना पड़े और पानी डायरेक्ट नदी से गांव में आ जाया करे और जहां से वह उसे बेच दिया करेगी। जब पाब्लो ने अपने आइडिया को ब्रूनो से बताया तो ब्रूनो सरप्राइज हो गया। उसने पाब्लो से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो, ये इम्पॉसिबल है, मैं अपने काम से बिल्कुल खुश हूँ। अब पाब्लो को ब्रूनो का बात सुनकर अपने आइडिया पर शक हुआ, लेकिन फाइनली उसने तय किया कि वह अकेले ही अपने आइडिया पर काम करेगा। अब पाब्लो नदी से बकेट भरकर पानी भी लाता और उसे जो थोड़ा समय मिल जाता उसमें अपना पाइपलाइन बिल्ड करने के काम में लग जाता और फाइनली 2 साल के बाद उसका सपना अब हकीकत बन चुका था। उसने वह कर दिखाया जिसका भरोसा किसी को भी नहीं था, यानी कि उसका पाइपलाइन अब बिल्ड हो चुका था जिससे अब वह बहुत सारे पैसे तो कमाता ही था, इसके साथ उसको ना के बराबर काम करना पड़ता था। जिसको भी पानी चाहिए बस बटन दबाता, पानी नदी से सीधे गांव, यानी कि अब उसको वहां रहने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने ऐसा सिस्टम बिल्ड किया था जहां उसके ना रहने पर भी उसकी कमाई होती रहती थी। और अब तो उसके पास इतना टाइम रहता कि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था। वहीं दूसरी ओर ब्रूनो की हालत पानी के बकेट धोते धोते इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वह हमेशा बीमार रहने लगा, लेकिन वह फिर भी अपने काम को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर उसने काम करना छोड़ा तो उसकी कमाई जीरो हो जाएगी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे काम करना पड़ता था। तो देखा आपने कैसे पाब्लो ने अपने काम का एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ वह बहुत कम काम करके बहुत सारा पैसा कमा रहा था। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ गए कि आपको भी पाब्लो की तरह एक ऐसा पाइपलाइन बिल्ड करना है जहाँ आपके ना रहने पर भी आपका बिजनेस चलता रहे और आप पैसे कमाते रहें। तो ओके गाइस, अब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक आप रखिए अपना खूब सारा ध्यान। बाय, लव यू।